तो चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लगातार दबाव बनाया जा रहा था और अब एमजे अकबर ने दबाव में इस्तीफा दे दिया है। लगातार आरोप लग रहे थे एमजे अकबर पर, मीटू के आरोपों के बाद अकबर का इस्तीफा आया है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को अपना इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि करीब 16 महिलाओं ने आरोप एमजे अकबर पर लगाया और यौन उत्पीड़न के ये आरोप लगाए थे। प्रिया रमानी ने भी आरोप लगाया था, जिसके बाद एमजे अकबर ने उन पर मानहानि का भी मुकदमा दायर किया। लेकिन अब इस्तीफे में एमजे अकबर को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। दबाव लगातार बन रहा था, विपक्ष लगातार हमलावर था, कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि मोदी सरकार एमजे अकबर का इस्तीफा ले, और अब एमजे अकबर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहां पर बड़ा झटका इसे कह सकते हैं एमजे अकबर को। किसी पर भी क्यों अटैक हो, कोई भी, अगर आप पीसफुल प्रोटेक्शन करते हो वो आपका राइट है। आप प्रोटेक्शन आप पीसफुल करिए, बैठिए आराम से, लेकिन आप कोई भी महिला को के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ देखने के बाद। और पुलिस खड़ी थी सामने और कुछ नहीं कर पा रही थी। आई होप अभी सिक्योरिटी बढ़ाई है उन्होंने और महिलाएं पीसफुली जा पाएंगी अंदर। क्या बात है? जरा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार दबाव बनाया जा रहा था एमजे अकबर पे कि इस्तीफा दे, लेकिन नहीं दे रहे थे। विदेश से लौट आए थे, उसके बाद भी अपना इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब एमजे अकबर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल, और एमजे अकबर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे मामलों को लेकर मुकदमा दायर किया है और ऐसे में जांच होने तक, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए वो नैतिक तौर पर अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर कहें तो एमजे अकबर ने अब विदेश राज्य मंत्री के तौर पर जो वो पदभार संभाल रहे थे उस पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ जो मीटू अभियान में उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उसमें नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ये संकेत लगातार मिल रहे थे जब वो रविवार को अफ्रीकी दौरे से लौटे थे, एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें उन्होंने तमाम आरोप अपने खारिज करते हुए, उनके ऊपर जो लगाए गए थे यौन शोषण के उनको खारिज करते हुए वो अदालत पहुंच गए थे और मानहानि का केस दायर किया था जिसमें उन्होंने कई दलीलें रखी थी। और उसके बाद से ये जो माहौल बना, क्योंकि एशियन एज से जुड़ी और उसमें जो समर्थन देने महिला पत्रकार सामने आई, वो करीब 15 से ज्यादा महिलाएं एक के बाद एक मोर्चा खोलते हुए यहाँ पर एमजे अकबर पर हमलावर हो गई। और शायद यही वजह है कि जो उम्मीद यहाँ पर एमजे अकबर कर रहे थे कि इस अदालत में जाने के बाद और इस कार्रवाई की धमकी के बाद उनको राहत मिलेगी, वो शायद नहीं मिली और इसीलिए उनको नैतिक तौर पर पद छोड़ना पड़ा है ये कहा जा रहा है, क्योंकि दबाव बन रहा था। और अगर घटनाक्रम की बात करें तो कल ही एनएससीआई चीफ का फिरोज खान का इस्तीफा हुआ कांग्रेस के खेमे की ओर से, और उसके बाद ये माना गया कि दबाव है, कहीं ना कहीं अब एमजे अकबर के ऊपर भी दबाव बनेगा शायद इसको लेकर, चूंकि चुनावी वक्त है, चुनावी बेला है कि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। जी प्रदीप, अगर लगातार ऐसा देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव तो बनी रहा था, लेकिन एक तरफ बीजेपी यहाँ पर चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी, बचाने की कोशिश भी कर रही थी एमजे अकबर को। देखिए, बीजेपी ने इस पूरे मामले को एमजे अकबर पर छोड़ दिया था और इसीलिए जब वो विदेश थे तब ये कहा गया कि जब वो देश लौटेंगे वो अपना पक्ष रखेंगे, उनका स्पष्टीकरण आने दीजिए। इस बीच कई महिला मंत्रियों से सवाल पूछे गए थे, खुद सुषमा स्वराज से सवाल पूछा गया था, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। इसके अलावा कई मंत्रियों से सवाल पूछा गया था, उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं बोला था। और जब वो विदेश से लौट कर आए एमजे अकबर रविवार को, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद ये कहा गया कि यही रुख है, यानी इस्तीफा नहीं होगा। उसके बाद महिला पत्रकार काफी हमलावर हो गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लगातार जोर पकड़ रहा था एमजे अकबर को लेकर, और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महिला पत्रकार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे। लिहाजा इसके बाद यहाँ पर ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा था। ये मैसेज जा रहा था कि सरकार जीत पर अड़ी हुई है कि एमजे अकबर से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, और शायद यही वजह है कि इस सियासी नुकसान को भांपते हुए अब डैमेज कंट्रोल करने की कवायद, जिसको आप कह सकते हैं कि एमजे अकबर को आखिरकार जाना पड़ा। और एक जो उन्होंने लाइनें लिखी हैं इस्तीफे को लेकर कि वो इसलिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं नैतिक तौर पर, जो
जांच निष्पक्ष पाए, तो ये जरूर है कि अब वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो इस्तीफा यहाँ लौटने के बाद स्पष्टीकरण जारी करने के बाद तभी ऐलान कर सकते थे, लेकिन ये परखने की कोशिश की गई थी कि इसका कितना असर होगा, लेकिन जब उल्टा असर हुआ तब ये यहाँ इस्तीफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चुनावी साल है और जिस तरीके से के बाद एक आरोप लग रहे थे, महिला पत्रकार मुखर हो रही थी, समर्थन मिल रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वहां पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी, उसके बाद उनका पद पर टिके रहना मुश्किल लग रहा था और शायद यही वजह है कि इसको भागते हुए उनसे इस्तीफा लिया गया और इसलिए उनको जाना पड़ा। जी प्रदीप, ये भी लगातार अंदर से जब कहा जा रहा था, जो महिलाएं थी वो ये मांग कर रही थी कि कार्रवाई की जाए, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद मंत्रिपरिषद ने ये भी कहा था कि ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये बाहर का मैटर है, इसलिए हम इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते, कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है या कोर्ट ही इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये मामला जिस तरीके से सामने आया था, उसके बाद खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने भी एक बयान दिया था जो काफी चर्चित हुआ था, उसको एमजी अकबर के बचाव में बयान माना गया था, जब कि कोई एलिगेशन लगा दे तो क्या कार्रवाई हो जाए, जांच क्या गलत है क्या सही, उसकी जांच हो जाएगी। तो ये जरूर है कि जांच का वक्त मिलता और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे थे कि एक मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, अगर उन पर गंभीर आरोप है तो क्या वो जांच प्रभावित नहीं कर सकते, ये तमाम सवाल उठ रहे थे। और यही वजह थी कि जब अपना स्पष्टीकरण दिया एमजे अकबर ने, उन्होंने कई बातें रखी, कई दलीलें दी, लेकिन वो जनता की अदालत में खारिज हो गई और एक परसेप्शन जो बना वो उनके खिलाफ था। लिहाजा इसको समझा है बीजेपी ने और उनके नेताओं को समझ में आया है कि अगर ज्यादा देरी की गई एमजे अकबर का इस्तीफा लेने में तो सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद एमजे अकबर को मैसेज दिया गया कि वो इस्तीफा दें। क्योंकि कल का घटनाक्रम अगर आपको याद हो, कल एक स्टोरी हमने भी की थी जिसमें एमजे अकबर से मिलने पहुंचे थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल, और उसके ठीक छोरन बाद उन्होंने मुलाकात की थी बीजेपी अध्यक्ष से। तो लगभग ये था कि इस घटनाक्रम ने नए सिरे से अटकलें बढ़ा दी थी एमजे अकबर को लेकर, हालांकि विदेश नीति से संबंधित इसको बताया जा रहा था, लेकिन ये मैसेज दिया गया था कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कि अब जिस तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जो घटनाक्रम बदल गया है, उसके बाद उनका पद पर बने रहना मुश्किल होगा और शायद यही वजह है कि एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा है। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां महिलाओं को प्रवेश नहीं देने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे मंदिर के कपाट खुलने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तनाव किस तरीके से बढ़ रहा है ये हम सब देख रहे हैं। अब उग्र प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए हैं, प्रदर्शनकारियों ने मीडिया के वाहनों को भी निशाना बनाया, वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए महिला श्रद्धालु जुटने लगी हैं। मंदिर परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन और तनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ठीक 5 बजे यानी कि 5 बज चुका है, अब कपाट खुल रहे होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंदिर में प्रवेश से श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सरकार सबरीमाला मंदिर के नाम पर कोई हिंसा होने नहीं देगी। ऐसे में अब जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ महिलाओं को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाओं के प्रवेश पर अब जंग छिड़ चुकी है। तो श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में बुधवार तड़के हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। जम्मू के श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों को उस समय बड़ी सफलता मिली जब आतंकी और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में जम्मू पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ श्रीनगर के फतेह कदाल इलाके में हुई। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिलहाल इलाके की घेरेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकियों की पहचान फयाज, बांगरू और रईस के रूप में हुई है। तीनों लश्कर के आतंकी थे।
सुबह 8:05 पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। महज आधे घंटे के भीतर तीनों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी पार्टी पुलिस की और सीआरपीएफ इसने जो ऑपरेशन किया है, इसमें इतला थी कि किसी खास जगह पे कुछ मिल्टन जो हैं वो उन्होंने पनाह ले रखी है, उस पे पार्टी गई और जगह का कॉर्डन किया गया, घर का कॉर्डन किया गया, और कॉर्डन करते जो ही घर के करीब पहुंचे तो उसी वक्त जो है पार्टी के ऊपर फायरिंग आई। उस फायरिंग के दौरान हमारे एक बहादुर जवान कमल किशोर उसमें शहादत पा गए, और जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ सुबह, उसके बाद जब इलाके की तलाशी ली, उसमें 3 डेड बॉडीज वहां से मिली। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में मेहराजुद्दीन लश्कर एतेबा का टॉप कमांडर था, वांटेड भी था। वहीं घाटी में आतंकवादियों की भर्ती करने वाला मुख्य आतंकवादी था। वह शुजात बुखारी की हत्या में भी संदिग्ध था। जो मिलिटेंट हैं, जिसमें से 2 की शनाख्त, एक लगभग मेहराजुद्दीन बंगरू जो 2015-16 से एक्टिव थे, और उसके साथ वाजा फहद वाजा, जिसके बारे में दूसरे उनके जो साथी है वो काफ़ी अरसे से वो भी एक्टिव था, मगर इसके मुकाबले में मराजुद्दीन बंगरू के मुकाबले में जो बाद में शामिल हुआ था, लेट आया था मिलिटेंसी में, और तीसरा जिसकी शनाख्त अभी बाकी है, जो इसका इनका एक्टिव साथी है, मौके के ऊपर इनके साथ था, ये 3 लोग जो उसमें मारे गए हैं। बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को राज्य के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी, जहां जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया था। मृत आतंकी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए थे। वहीं 13 अक्टूबर को ही राज्य के बारामुल्ला जिले में आतंकियों का काला चेहरा सामने आया था, जहां आतंकियों ने घर में घुसकर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल कमांडर मनान वानी को भी ढेर कर दिए जाने के बाद से आतंकी ऐसे कदम उठा रहे हैं। बीते कुछ समय में आतंकवादियों ने छुट्टी पर गए जवानों या फिर पुलिसकर्मी को घर में घुसकर निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पुराने नेता जसवंत सिंह के बेटे व बागी विधायक मानवेंद्र सिंह ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने बुधवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी की सदस्यता ली। अगले महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का स्वाद चखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच दल बदलने की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो इन बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पूरे परिवार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह पूरे परिवार के साथ पार्टी में शामिल हो गए। मानवेंद्र इस समय बीजेपी से शिव सीट के विधायक हैं। मानवेंद्र के साथ उनकी पत्नी चित्रा सिंह, जसवंत सिंह के दूसरे बेटे उपेंद्र सिंह और जसवंत सिंह की पत्नी शीतल कंवर ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस का दामन थामने के बाद मानवेंद्र सिंह ने पूरे परिवार के साथ अपने आवास पर यज्ञ कराया। पिछले महीने हुई बाड़मेर के पचपदरा की स्वाभिमान रैली में मानवेंद्र सिंह ने एक ही भूल कमल का फूल कहकर बीजेपी छोड़ दी। वहीं कांग्रेस का हाथ थामने के बाद मानवेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने न केवल उनके पिता को साइडलाइन किया था, बल्कि अब उनकी भी अनदेखी हो रही है। मैंने व्यक्तिगत नाराजगी और सामूहिक नाराजगी मैंने आपको बता दिया पहले भी, जो जिस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया गया उसके कारण है। वहीं बाड़मेर के कांग्रेस नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। कांग्रेस के सचिव हरीश चौधरी का कहना है कि उनके आने से कांग्रेस और मजबूत होगी। सवाल राजनीतिक भेदभाव या विभाजन का नहीं, सवाल दिल्ली प्रदेश में जिस प्रकार से मोदी जी की नाक के नीचे कानून व्यवस्था का दिवाला निकला है उसकी है। ना यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं। हत्या, डकैती, आगजनी, अगवाई, चोरी, छेड़छाड़, पूरी दिल्ली जो है वो आम जनमानस, खास तौर से महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित है। और मोदी सरकार जो है वैसी ही उनकी हालत है कि रोम जल रहा था और नीरो कान के नीचे हाथ रखकर सो रहा था या बंसुरी बजा रहा था। भाजपा के नेतृत्व को वसुंधरा जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिन लोगों ने भाजपा की नींव रखी, दशकों तक सेवा करी, उस पार्टी के नेताओं का क्या हाल उन्होंने किया है।
मान सम्मान का संघर्ष करते करते आज उन्होंने बीजेपी से दामन छुड़ाया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। राहुल जी ने आज सुबह मानवेंद्र सिंह जी को पार्टी में शामिल किया, उसका हम सबने स्वागत किया। मुझे लगता है इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में, और प्रदेश की बेहतरी के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे, एक नया राजस्थान का निर्माण करेंगे। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया था, इससे उनको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा था। उस चुनाव में जसवंत सिंह हार गए थे और इसी के बाद से जसवंत सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज चल रहा था। बीजेपी से अलग होकर मानेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया। मानेंद्र के कांग्रेस में शामिल होने से मारवाड़ के अब तक के राजनीतिक समीकरण भी गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर की जनता में जसोल परिवार काफी प्रभाव रखता है। इन इलाकों के राजपूत तो जसोल परिवार के साथ ही हैं, साथ में सिंधी और मुस्लिम भी जसोल परिवार के करीबी माने जाते हैं। बाड़मेर जिले की शिव और चौटन विधानसभा में सिंधी, मुस्लिम और राजपूत जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जसवंत सिंह के परिवार का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन सभी सीटों पर बीजेपी 19 से 20 अक्टूबर के बीच अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। 15 सालों से छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाल रहे सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा चुकी है, जिनमें जिलाध्यक्षों के नाम के बारे में विचार विमर्श किया गया है। अब सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा इस सप्ताह की जाएगी। राज्य में पहले चरण के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दौर में प्रदेश की 18 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इस चरण में राज्य के 8 जिलों की 18 विधानसभा सीटों के लिए 23 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं प्रथम चरण के लिए 12 नवंबर को मतदान होंगे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अब अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधार और उनके पीछे वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी नेता थे, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस भी उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी को लेकर मंगलवार को कांग्रेसियों ने बीजेपी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसी पूरे मुद्दे को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला से बातचीत की है हमारे रायपुर संवाददाता सत्येंद्र सिंह ने। केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को भुनाने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा ही प्रयास छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। इसी को लेकर आज एक प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के सामने हुआ, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां रखी हुई हैं, जिनका अपमान किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भतीजी हैं उनके साथ मौजूद हैं और इस पूरे विषय में उनसे एक विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ये पूरा मामला क्या है और कैसे और कब आपको पता चला कि इस तरह का कुछ वाकया हुआ है? देखिए, आज राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उस बैठक के लिए मैं भी वहाँ पर पहुँची थी और बैठक शुरू नहीं हो पाई थी। तब तक एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे पास समाचार आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश एक बोरे में रखे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, पर साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी भी हूँ। और मैं तो उनके निधन के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनके देहावसान के बाद, तब से ये विषय मुझे शूल की तरफ चुभ रहा है। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 10 साल से अस्वस्थ थे, तब रमन सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने उनको कभी याद नहीं किया, न पोस्टरों के माध्यम से, न बैनरों के माध्यम से, न किसी और माध्यम से। अब उनके देहावसान के बाद नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और डॉक्टर रमन सिंह को ये लगता है कि अटल जी के फॉलोअर्स इस देश में बहुत हैं, वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर भी हैं, तो क्यों ना अटल जी को वोट बैंक बनाया जाए
और जिस तरह से उनके अस्थि कलशों के साथ उन्होंने जो श्रद्धांजलि का नाटक किया, श्रद्धांजलि सभा रखी और सब जगह जगह ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर और फलाने लेवल पर अस्थि कलशों का नदियों में प्रवाहित किया जाएगा, विसर्जन किया जाएगा, तो ठीक है वो सब कार्यक्रम आपने हंसी ठहाके लगा के कर लिया। और फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं वहाँ जाती हूँ अपनी बहनों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहती हूँ कि भाई आप तो अपमानित कर रहे हैं, आप विधि विधान को जानते ही नहीं हैं या जानबूझकर आप उस विधि विधान को नहीं कर रहे हैं, तो जो अस्थि कलश रखे हुए हैं उनको मैं लेकर आ जाती हूँ और मेरा दायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं विधि विधान से उनका विसर्जन करूँ ताकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिले। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे विश्व के हैं, पूरे देश के हैं, हर राजनीतिक दल के हैं और दलों से ऊपर उठकर भी हर छत्तीसगढ़ के निवासी के मन में उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा है। तो ऐसा कृत्य तो मत करो जिससे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अपमानित हो। तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छा इतने कायर और इतने निकम्मे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां तक मुझे जानकारी मिली है मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे और सारे उनके पदाधिकारी मौजूद थे। अरे करुणा शुक्ला से आकर बात करते गेट पे ताला लगा दिया और पुलिस वाले मुझे धौंस दे रहे हैं कि 144 धारा लगी हुई है। हमने निर्वाचन आयोग को सूचना दी, हमने कलेक्टर एसपी को सूचना दी और उसके बाद में पहुंची। तो हम कोई शांति भंग करने जा रहे थे क्या? हम तो बात करके और उसको लेने जा रहे थे, बस इतनी सी बात थी। वोट बैंक की राजनीति प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद से देश सिर्फ गुजरात पर समट गया। एक और दूसरा आरोप लगाया गया आप पर कि अगर आप इतना चाहती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करती हैं तो क्यों ये घोषणा नहीं करती कि अब मेरी सरकार आएगी और मैं स्मारक बनवाऊंगी उनका? नहीं, ये तो अभी ऐसा है ना, सूत न कपास जुलाई से लटा लटी, ये भारतीय जनता पार्टी का बचकाना बयान है। कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, कांग्रेस की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के नौजवान, छत्तीसगढ़ के व्यापारी, छत्तीसगढ़ के मजदूर और छत्तीसगढ़ की मेरी माताओं बहन बेटियों ने ये तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ के रहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। समय आने दीजिए, किस समय पर कौन सा निर्णय लिया जाएगा ये कांग्रेस पार्टी और मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से मिलकर तय करें। तो ये थी हमारे साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी, जिनका मानना है कि अटल बिहारी जी एक विशाल हृदय थे और जो भाजपा है वो सिर्फ उनका जो वोट बैंक है उसको हासिल करना चाहती है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ सत्येंद्र सिंह, टोटल टीवी, रायपुर।